रवि सीरियसली चला करके देखेगा ना, मजा आ जाएगा तेरे को। रईसों की गाड़ी समझा जाता था इसको। मैंने कहा मैंने अपनी गाड़ी एक्सचेंज करवानी है, फेंकनी नहीं है। दोस्तों बाहर बड़ी धूप है यार, इस वजह से हम गाड़ी के अंदर ही जो है वो बता पाएंगे आपको बाहर से, फिर नहीं तो जल्दी से भागना पड़ जाता है हमें अंदर। खैर जब शेवी के अंदर क्रूज नहीं थी तब ये एक मेरी बहुत ही फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी। गैस करो कौन सी है। खैर आपने टाइटल वगैरह तो देख ही लिया होगा। ओप्ट्रा मैग्नम है ये, 2 लीटर डीजल इंजन है ये इसका, और सेम इंजन ही आपको क्रूज के अंदर मिलता है, लेकिन उसको रिट्यून किया गया है, उसकी थोड़ा सा टॉर्क वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन इस गाड़ी को जो माना जाता है वो अपनी लग्जरीनेस के लिए जाना जाता है, कंफर्ट के लिए जानी जाती थी एक्चुअली, अब तो खैर नहीं आती। तो वो चीज़, ये गाड़ी जो है वो गगनदीप भाई की है, तो उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था। हम हैं फ़िलहाल लुधियाना के अंदर और वो अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि इनके पास i20 वगैरह भी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ज़्यादातर जो है मैं इसी गाड़ी को चलाना पसंद करता हूँ। तो ऐसी क्या रीज़न है मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब ये नई नई आती थी और जब चलाते थे बहुत ही मक्खन परफॉर्मेंस थी यार इसकी, बहुत ही आला दर्जे की। तो गगनदीप भाई आपने जो है ये गाड़ी का क्या कुछ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप थोड़ा सा बताइए। मैं इस गाड़ी की जितनी तारीफ कर लूँ उतनी कम है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इस गाड़ी की जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। स्पेशियसनेस पता ही आपको, इसका नाम है स्पेशियसनेस में, ठीक है। दूसरी बात इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये, इसका इंजन बहुत सॉलिड है, ठीक है। मतलब कि ये कितना चल चुकी है गाड़ी? मीटर पे तो ये 1,02,000 किलोमीटर आ रही है, हाँ। लेकिन ये मैंने ली है सेकेंड हैंड, तो मेरे हिसाब से इसका मीटर पीछे किया हुआ है। तो मैंने जब कंपनी में दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कम से कम ये 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। 2 लाख चलने के बाद इसका रिस्पॉन्स देखो यार, एकदम मक्खन भाई साहब। मजेदार। अब आप बात करते हैं कि माइलेज वगैरह क्या निकाल देती है, जेब पे भारी पड़ती है, हल्की पड़ती है? जेब पे भारी भी पड़ती है, हल्की भी पड़ती है, क्योंकि इसका जो डीजल रेल सेंसर है, हाँ हाँ। वो थोड़ा फॉल्टी है, हाँ। जब तो वो सही चलता है, हाँ। तो ये मुझे इजीली 20-21 की एवरेज निकालती है हाईवे पे, हाँ हाँ। ठीक है। मैं 80 की स्पीड पे चलाता हूँ कॉन्स्टेंट, तो 20-21 की है एवरेज। अगर जब वो खराब हो गया, खराब चल रहा है सेंसर इसका, तो ये गाड़ी 7-8 की एवरेज निकालती है मुझे। अच्छा, ठीक है। इतना ज़्यादा वेरिएशन करता है, लगभग 3 गुना नीचे एकदम से आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता चल जाता है आपको या फिर देखकर ही मीटर पता चलता है कि भैया ये गाड़ी की ड्राइव अलग हो जाती है, गाड़ी हल्की चलती है, भारी चलती है, ठीक है ना। और फिर इसका मीटर भी एकदम से नीचे करता ही फिर सीधा। मॉडल कौन सा है ये? 2009 मॉडल है। अच्छा जी। रवि सीरियसली चला करके देखेगा ना, मजा आ जाएगा तेरे को। क्रूज और इसके इंजन में शायद टर्बो का अंतर है। हाँ जी हाँ जी। उसमें शायद वेरिएबल जो टर्बो आता है, VGT है टर्बो इंजन, इसमें फिक्स टर्बो है। अच्छा हाँ। और उसकी थोड़ी सी रिफाइनमेंट ज्यादा है, तो उसकी शायद 160 या 168 हॉर्सेज है उसमें, अभी इसमें 128 हॉर्सेज है। तो इतनी भी खल नहीं रही है डीजल इंजन की आवाज? बहुत है, मोर देन एनफ है ये, मतलब इतना नॉइज नहीं आ रहा है इसमें। नहीं नहीं नहीं, पावर जो है वो अच्छी खासी है यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हल्का सा इशारा भर काफी है यार। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा ये बताओ अभी कौन से मोड में, 7 किलोमीटर पर लीटर वाले या फिर 22 किलोमीटर पर लीटर वाले? अभी ये 7 वाले पे है। अच्छा तभी खतरनाक चल रही है क्या? जो तो आपने सही कराने की कोशिश नहीं करी? मुझे इसका सेंसर ही नहीं मिल रहा कहीं पे। अच्छा हाँ। लेकिन ऐसे भी मजे आते होंगे ना, कभी कुछ एक्टिवेट हो जाता है इसका, कभी कुछ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये गाड़ी मैं ना एक दिन चंडीगढ़ में ले गया था, कोई इमरजेंसी थी, तो हम सुबह 7-8 बजे निकले थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, तो 3-3, 4-4 फुट पानी था। यहाँ पे एक सड़क है, वो 3-4 फुट पानी के डूब जाती है नीचे। तो ये गाड़ी बिना बंद हुए मैं ले गया, 10-15 किलोमीटर सड़क मैंने वैसे ही चला दी। बारी के अंदर से पानी आ गया था इसमें। अच्छा। तो इसका सारा फ्यूज सिस्टम सारा शॉर्ट सर्किट हो गया था, 2-3 फ्यूज के सिर पे ये गाड़ी चंडीगढ़ पहुंच गई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये गाड़ी पूरी तरह सेट नहीं बैठी। कभी लेफ्ट ले लो। हाँ जी हाँ जी, लेफ्ट ले लीजिए। जो सर्विस वगैरह कितना खर्चा आता है और पार्ट मिल जाते क्या आसानी? हाँ पार्ट इजीली अवेलेबल है, इसका पार्ट इजीली अवेलेबल है। ठीक है ना। जो कंपनी के अंदर इसकी सर्विस हुई है, दो सर्विस हुई है, ठीक है, तो दोनों मुझे 14-15 हज़ार प्लस पड़ी है। ये कब करवाई थी आपने लास्ट? ये मैंने सर्विस करवाई थी लास्ट 1-16 में। हाँ जी, थर्ड गियर के अंदर लगभग 100 के आसपास टच हो गई थी। अरे 120 मैक्स जाती है वहाँ थर्ड गियर में। हाँ, बड़ा ही मतलब कि अभी भी जोशीला है यार ये इंजन, ऐसा तो मानना पड़ेगा। पूरा मजा आता है इसके अंदर। क्रूज से पहले इसी ने संभाल रखी थी शेवी की मार्केट यार, रईसों की गाड़ी समझा जाता था इसको। हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल आपको सेकेंड हैंड के तौर पर देखने को मिल सकती है, अगर इंजन इस टाइप का है ना तो उठा सकते हो भाई साहब इसको। लगभग आपको 1.5-2 के आसपास देखने को मिल जाएगी ये गाड़ी, आप अगर देखोगे ना तो। और इतनी ज्यादा कोई खड़खड़ाहट और वो सारी चीज भी नहीं है यार अंदर ज्यादा, मतलब कि जो होता है ना नॉइसी इंजन और वो सारी चीज भी ऐसा नहीं है। गाड़ी अच्छी चल रही है, बढ़िया। मैं इसकी गाड़ी की रेगुलरली 8000 किलोमीटर पे सर्विस करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। सिंथेटिक ऑयल वगैरह डलता है, तो मैं बाहर से जब सर्विस करवाता हूँ मुझे 4500-4800 खर्चा आता है इसका। तो इधर इसका अभी भी सर्विस सेंटर है क्या शेवी के? अभी बचे हुए प्राइवेट सर्विस सेंटर है इसका अभी। अच्छा, 2 हैं गुड़गांव में तो शेवी के खुद के ही हैं, वैसे 1-2 जगह हैं, तो कर रहे हैं सर्विस वगैरह, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। वैसे तो हमारा ये जो वीडियो शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि ये एक भाई साहब लेजेंडरी गाड़ी हुआ करती थी शेवरले की, और अगर आज भी अगर आपको ठीक कंडीशन में मिल जाए ना तो लेने में झिझकना मत। अगर आपके आसपास जो है इसका सर्विस स्टेशन वगैरह है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरे को पार्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती चेंज करवाने में। एक्सीडेंटल पार्ट भी मिल जाते हैं क्या आसानी से? हाँ, इजीली इसका। अच्छा, आप न्यू पार्ट लेना है न्यू पार्ट ले लीजिए, सेकंड हैंड पार्ट लेना है तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना, इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। तो अब जो है वो स्विच करते हैं, हमारे ड्राइवर साहब इधर आएंगे और हम उधर जाएंगे। इस इंजन के टक्कर की अगर मैं कोई गाड़ी बोलूं, ठीक है ना, वो भी नहीं आती। अब जो पावर लेवल की है वो S-Cross 1.6 इंजन है मारुति का, ठीक है ना, उसकी सेम पावर सेम रिस्पांस है। मैं वो खरीदने लगा था तो मेरी डील बनी नहीं उनसे। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा मैंने अपनी गाड़ी एक्सचेंज करवानी है, फेंकनी नहीं है, ठीक है ना, एंड आपकी गाड़ी से तो कहीं ज्यादा सॉलिड मेरी गाड़ी है। तो फिर मैं वो नहीं ली, यही चला रहा हूँ। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी जैसे इसका इको मोड लगा हुआ है अपने आप से ही। हाँ जी। तो इसमें और उसमें परफॉर्मेंस में अंतर आता है? थोड़ा बहुत आता है ना। परफॉर्मेंस में तो इसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इसका इंजन थोड़ा सा हैवी लगता है मुझे। रिस्पॉन्सिवनेस तो इसकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन इंजन की जो कहते हैं ना ब्रीदिंग पावर जो होती है, ठीक है ना, मैं पता नहीं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे हिसाब से तो इंजन की ब्रीदिंग पावर कहूँगा मैं, वो थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ी हल्की हो जाती है, उस पे सारा फर्क पड़ता है। इको और स्पोर्ट्स मोड्स, ठीक है, और अपने आप स्विच हो जाते हैं इसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। आप नहीं कर सकते। अरे ये गाड़ी का डिफेक्ट है इसका। लेकिन सच में यार ताजुब हो रहा है कि 2 लाख के आसपास चल चुकी है। रिस्पॉन्स बताओ कैसा? रिस्पॉन्स जबरदस्त है। 2 लाख ये 16 में थी, अब उसके हिसाब से मैं देखूँ तो करीब 2.5 लाख हो चुकी है। मतलब जब खरीदी थी तब मैंने जब चेक करवाई थी तब बोला था वो 2 लाख। हाईवे में फन करने के लिए जबरदस्त गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट। स्टेबल भी है भाई ये काफी हाईवे के ऊपर, और इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और सॉरी मैं बता नहीं सकता इसकी फुल स्पीड कितनी है। ओके, इस टाइप की गाड़ी अगर 1.5-2 लाख के अंदर आपको मिल जाती है तो क्या बुरा है यार, है 20 की आसपास की माइलेज निकालेगी, सुपर जो है इंजन रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया जो है आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, आप खींचो उसको जब तक चल रही है। 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं मेरी सीट वाले। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है इन गाड़ियों की, कोई ज्यादा दया वो नहीं आती यार इनके ऊपर। अगर कहीं पर भी खराब भी होगी खड़े करके चले जाओ भैया, अगले दिन आ जाओ, ठीक कर लो, टो करवा लो या कुछ करवा लो, मतलब कि ज्यादा फिक्र वाली चीज नहीं होती है, ठीक है, आप अपना हिसाब किताब से कर सकते हो, आपका काम सारा निकाल जाएगी ये गाड़ी, ठीक है। लेकिन ये वाली तो और भी अच्छा मजा भी देगी साथ साथ। आप लोगों की नजर के अंदर भी ऐसी कुछ गाड़ियां हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, हम भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो निकालती है। बाकी पावर डिलीवरी इसकी 1600-1700 आरपीएम से बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे सर ने बताया कि S-Cross वाली फील आ रही है पूरी। तो ये था दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऑप्ट्रा का हमारा एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही। हम इस गाड़ी को चला करके देखना चाह रहे थे क्योंकि गगनदीप भाई ने रिक्वेस्ट करी थी एक बार चला करके जरूर देखो इस गाड़ी को, मज़ा आएगा। और सच में हमें वास्तव में मज़ा आया इस गाड़ी के। तो जो भी आप कभी भी इसको निकालोगे तो अगले ओनर को भी मज़ा ही देगी, मेरे ख्याल से तो यही लगता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को भी इस टाइप की कोई गाड़ियाँ चाहिए तो आपको देखना चाहिए कि इंजन परफॉर्मेंस वगैरह अगर सही है तो आप जा सकते हैं उस गाड़ी के ऊपर, लेकिन बहुत कम पैसे के अंदर आपको मिल जाएंगी ये गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते तो हेलमेट जो है वो जरूर पहनिएगा। थैंक यू सो मच गगनदीप भाई, थैंक यू जो बुलाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।